स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एस्ट्रो टी में। आज के शो साइंस थर्सडे में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करें, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आप अपने घर में नहीं बना सकते, आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रीट लीगल फोर व्हीलर्स का, यानी कि आप इसको रोड पे लीगली चला सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप बनाने घर में बना सकते हो, लेकिन वो लीगलाइज करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, ये डे टू डे यूज़ के लिए है कि रेस ट्रैक पर नहीं चलाना है या प्रोजेक्ट के लिए नहीं करना, डे टू डे मतलब आम आदमी की आम ज़रूरतों को आराम से पूरा करने वाला होना चाहिए। और इसका दाम जो है उस रेंज में होना चाहिए जिसको लोग छू सके, कि जैसे अभी अगर नॉर्मल आप गाड़ी का बात करते हैं तो उसको कहीं 3-4 रेंज में आता है, जैसे 5 लाख के नीचे, 10 लाख के नीचे, 20 लाख के नीचे, उससे ऊपर बहुत कम लोग खरीद पाते हैं। मतलब अगर आप मतलब 10 लाख भी बहुत लोगों के लिए हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया, उतना नहीं करते, लेकिन मतलब समझिए इंडिया के मार्केट में 10 से 20 लाख की गाड़ी बिक जाती है। तो अगर 20 लाख से ऊपर का कुछ बनाया, जैसे ऑडी का ईट्रॉन जो है वो 1 करोड़ रुपए का आएगा इंडियन मार्केट में, उसकी बात नहीं की जा रही। यहाँ पे उस गाड़ी की बात कर रहे हैं जो आम आदमी सोच सकता है, ले सकता है, या आने वाले टाइम में उसका दाम आराम से कम हो सकता है। तो उस तरह के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ये काम कैसे करता है। अब यहाँ पे आप समझिए कि 4 कोर कंपोनेंट लगाया जाता है और मतलब एक चैसी बनाई जाती है। सबसे पहला आप ये समझिए, इसकी जो चैसी होती है ये पर्पस बिल्ट रहती है, क्योंकि बैटरी बहुत भारी चीज़ होता है, हलवा नहीं है। तो इसको कहाँ पे रखते हैं इससे डिपेंड करता है आपका सेफ्टी रेटिंग कैसा होगा। काफ़ी लोग जो गाड़ी को ये मॉडिफाई करा देते हैं, पहला तो वो उतना अच्छा इफिशियंट यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मतलब गाड़ी बना नहीं था, गाड़ी बना था डीजल मतलब डीजल इंजन के लिए या पेट्रोल इंजन के हिसाब से, तो उसकी चैसी जो है उसकी डिजाइन लैंग्वेज वही रहेगी। और उससे 2-3 खतरा हो सकता है। पहला, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अनबैलेंस हो सकता है, अंडर स्टीयर ओवर स्टीयर हो जाता है। तो ये इसीलिए कोई भी गाड़ी की कंपनी हो, चाहे वो महिंद्रा हो चाहे वो टाटा हो, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी का चैसी सोच समझ के स्टार्ट से बनाएगा। तो समझिए चैसी एकदम अलग होता है। तो बैटरी को कहाँ रखते हैं उस पर डिपेंड करता है कि मतलब उसकी आपकी सेफ्टी रेटिंग कितनी आएगी। जैसे जितने भी इलेक्ट्रिक कार हैं जिनका बैटरी जमीन पर लगाया जाता है, उनको 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है, यानी कि कहीं से भी एक्सीडेंट होने पे अच्छा खासा हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त चांस है कि बंदा एक पीस में वापस निकलेगा उससे, मतलब स्वाहा नहीं हो जाएगा अंदर। बहुत अच्छा, ये 5 स्टार की रेटिंग बहुत कम गाड़ियों को मिलती है, इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उसकी ज़्यादा जो मेन वेट है नीचे रहता है। तो ये काफ़ी खास तरीके से बनाई जाती है। फिर बात करते हैं बैटरी बैंक से। अब बैटरी बैंक तो यही ऑब्वियसली है जो लगा, जो आपका मेन ऊर्जा सोर्स है, जैसे पेट्रोल टैंक होता है, यहाँ पे आपका ये हो गया बैटरी बैंक हो गया। और इसके बाद आता है इन्वर्टर, क्योंकि आप समझिए आपका बैटरी डीसी है, आपका मोटर एसी है, तो उसको कीजिए कैसे, आपको इन्वर्टर चाहिए। तो ये इन्वर्टर खास तरह का मतलब ये पूरी जो आपका गाड़ी का परफॉर्मेंस होगा वो ये कंट्रोल करता है, और यही आपका रेंज कंट्रोल करता है। क्योंकि अगर ये एफिशिएंट है तो आपको सेम बैटरी में ज़्यादा दूर ले जाएगा, ये मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर लेता है, आपको ड्राइव की फील बहुत अच्छी आएगी, ये रीजनरेशन भी यही कंट्रोल करता है, हर चीज़ मतलब पूरा आपके गाड़ी का रोजी रोटी यही है। ये इन्वर्टर सही से चल रहा है तो आप बल्ले बल्ले, नहीं अच्छा है तो आपको मज़ा नहीं आएगा। ये इन्वर्टर में बहुत सारे चीज़ होते हैं, जैसे कि VFD, DTC, मैं आगे बताऊंगा ये सब क्यों है। और फिर इसे चलाते किससे हैं, हम लोग चलाते हैं 3-phase AC इंडक्शन मोटर से। तो सवाल बनेगा कि 3-phase AC इंडक्शन मोटर क्यों छू गए, क्योंकि ये सबसे सिंपल और रोबस्ट और टाइम टेस्टेड डिज़ाइन है। यानी कि अगर आप किसी कंपनी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि भैया मेरे को BLDC मोटर दो, ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर जो है, उसके सिर्फ कुछ ही मैन्युफैक्चरर्स हैं, और उसका अगर आप पूछेगा कि 100 साल में कैसे चलता है, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो उतना पुराना है ही नहीं। आप इंडक्शन मोटर में जाइए, कई सारी कंपनियां जो 150 साल से इंडक्शन मोटर्स बना रही है, और आप पूछिएगा कि इस पावर लोड में, इस टेम्परेचर पे इस मोटर कितना दिन चलेगा, वो तुरंत बता देंगे, अरे सर हमारा ये मोटर यहाँ राजस्थान में लगा हुआ है, ये इतना दिन से चल रहा है, ये 25 हॉर्स पावर का है, ये 5000 हॉर्स पावर का है। और आप पूछिएगा कि, और हाँ आप जो ट्रेन देखते हैं, डीजल लोकोमोटिव चाहे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, सब में यही लगता है 3-phase। तो फिर 3-phase क्यों लगाते हैं, वो 3-phase इसलिए लगाते हैं, 3-phase सेल्फ स्टार्टिंग होता है, अगर आप सिंगल फेज करते हैं तो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, प्लस टॉर्क वेरिएबिलिटी कम हो जाती है, 3-phase में टॉर्क बम बम आता है। और महिंद्रा का जो E1 रेस हो रहा है उसमें महिंद्रा 6-phase का मोटर उतारा था टेस्टिंग के लिए, महिंद्रा या किसी और ने उतारा था 6-phase का, उसमें टॉर्क 12% और ज़्यादा था। तो मतलब वो तो राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड से उड़ जाएगा, उन्होंने हटा दिया कि मतलब टायर ही ग्रिप नहीं कर पा रहा था उतना पावर के बाद। तो यही समझिए ऐसे काम करता है, आपने चैसी बनाया अच्छे से, इसके हिसाब से आपने बैटरी डाला, बैटरी के बाद इन्वर्टर पर पूरा काम किया, पूरी रोजी रोटी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो पैसा लगता है मेन, वो आपका इन्वर्टर खाएगा, फिर आपका एक हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त इंडक्शन मोटर रहता है। ये 4 कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं।
तो अब मेन दिल पे बात करते हैं कि इंटरनल, मतलब इसको इंटरनल कंबशन से आप कंपेयर कर रहे हैं। मैं गाड़ी बोलूंगा तो आप क्या सोचोगे, पेट्रोल या डीजल? तो वो पेट्रोल डीजल से ही कंपेयर करना पड़ेगा मोटर को। तो आप यहाँ पे समझिए कि मोटर जो है, मैंने इसीलिए बताया कि 100 साल से चलने के बाद आपको मोटर बुरी से बुरी हालत में अगर वो काम कर रहा है, शॉर्ट सर्किट नहीं है, तो वो 90% इफिशियंट होता है। यानी कि उसमें कितने किलोवाट दिए गए, उस किलोवाट से कितना आपका रोड के टायर में गया वो 90% है। यानी कि बहुत हाई इफिशियंसी है। प्रैक्टिकल लाइफ में तो 98% रहता है, लेकिन मैं इसमें 90% में आपका इन्वर्टर का भी लॉस बता दे रहा हूँ। तो भी समझिए कि बैटरी से जितनी ऊर्जा निकली वो बहुत आराम से कन्वर्ट हो जाती है आपको गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए। यहीं पे पेट्रोल का बात करें वो 30% से नीचे रहती है, नॉर्मली 30-20% के आसपास ही आपको मिलता है। और अगर इसीलिए अगर आप देखिएगा कि इलेक्ट्रिक गाड़ी भारी होने के बावजूद, जैसे कि आप टेस्ला उस्ला को अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो देखिएगा उसका वजन ज़्यादा है, उसकी बैटरी का किलो जूल यानी कितनी एनर्जी है वो भी कम है, लेकिन उसका रेंज उतना ही आता है जितना एक पेट्रोल साइकिल आता है। जबकि पेट्रोल टंकी में कितनी एनर्जी है वो तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंटरनल कंबस्टन इंजन उसको कन्वर्ट नहीं कर पाता। मतलब अभी अगर आप देखें हर मामले में इलेक्ट्रिक कार बेटर है, सिवाय एक मामले में कि 5 मिनट में रिफिल नहीं होता है, बाकी हर मामले में बेटर है, सिर्फ इसलिए कि वो इफिशियंट है। इस इफिशियंसी से क्या फर्क पड़ता है, इस इफिशियंसी से फर्क पड़ता है गाड़ी गर्म नहीं होगा, क्योंकि वो मतलब 90% एनर्जी आपके रोड पर चला गया और बाकी जो 10% ही आपको हैंडल करना है, जबकि 70% आपको हैंडल करना पड़ता है पेट्रोल के मामले में। दूसरा, किसी भी चीज़ की रिलायबिलिटी दो तरीके से आती है, या तो बहुत बढ़िया पार्ट्स बनाइए या तो कम पार्ट्स बनाइए। यानी कि अगर एक पार्ट से आप दो काम कर सकते हैं, जनरली लोग वही करेंगे। आपको एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि लेजर प्रिंटर जो आता था उसमें एक मोटर होते थे जो एक मिरर असेंबली को घुमाता है और उसी से लेजर ऐसे ऐसे स्कैन करता है। ये मूविंग पार्ट्स है, किसी को नहीं पसंद है, इनको हटा के एक एलईडी स्ट्रिप लगा दिया जाता है आजकल, जिसमें 15,000 एलईडीज होते हैं। सोच लीजिए ये 15,000 एलईडी चलाना ज़्यादा बस है, क्योंकि मूविंग पार्ट्स नहीं है, मूविंग पार्ट कभी भी नहीं टिकता है। हम लोग जो भी इंजन आप देखते हैं इसमें परत दर परत इंजीनियरिंग की जाती है कि ये अपने आप स्वाहा ना हो जाए। जैसे कि इंजन ऑयल तो आपको पता ही होगा, और ऊपर से ये भी देखते होंगे आजकल हर इंजन अलग तरह का इंजन ऑयल खाता है। कोई कोई 0W20 मांगता है, कोई 0W40 मांगता है। मेरा जो शायद गाड़ी आए, पता नहीं भविष्य में आएगा, 0W15 मांगने लगेगा। मतलब समझ रहे, इंजीनियरिंग के ऊपर इंजीनियरिंग की जाती है कि ये अपने आप को स्वाहा ना करते। इसको ठंडा कैसे रखेंगे, इसको लुब्रिकेट कैसे करेंगे, इसको क्लीनिंग कैसे करेंगे, मतलब बहुत मेहनत होता है। और 600 से 1000 पार्ट तक आराम से आ जाता है। और फिर आप बोलोगे नहीं ये आसान, मतलब सिंपल है हर चीज़, मैकेनिकल नहीं। आज का कोई भी गाड़ी बिना कंप्यूटर का नहीं चलता है, सब गाड़ी में उसमें मतलब जनरली फ्यूल इंजेक्टर होता है, फ्यूल इंजेक्टर कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है। फिर उसकी ब्रेकिंग सिस्टम होती है, जैसे एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम। मतलब कंप्यूटर के मामले में देखिएगा तो आपको लगेगा अरे इंटरनल कंबस्टन कम लगता है, नहीं, उसमें भी उतने लगता है, बस इन्वर्टर नहीं होता। तो पार्ट्स के मामले में इसमें बहुत चीज होता है जो चलता रहता है। और हर चीज ऐसा नहीं कि रोटरी मोशन है, क्योंकि रोटरी मोशन में आपको बेयरिंग लगा दो बहुत लंबा चलेगा, लेकिन जो चीज जैसे लीनियर होता है, जैसे पिस्टन है ऐसे 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 जो कर रहा है वो ग्राइंड करेगा। पिस्टन में आपको ये दी जाती है, गैसकेट दी जाती है, बेयरिंग दिया जाता है, ऑयल सील दिया जाता है, वो सब आपको संभालना, मतलब हर कुछ 5,000 किलोमीटर में, 10,000 किलोमीटर में, 50,000 किलोमीटर आपको बदलना पड़ता है। अगर आप नहीं बदलेंगे तो आपका तेल जलने लगेगा और आपको पता चल जाएगा हर कुछ दिन में आपका तेल लो, ऑयल वार्निंग आने लगेगा। तो बहुत पार्ट होते हैं, बहुत मेंटेनेंस लगता है। वहीं इंडक्शन मोटर देखें तो मतलब अगर आप एक इंडक्शन मोटर लेते हैं, नॉर्मल इंडक्शन मोटर, वो कितना हॉर्स पावर आपको दे सकता है, वो बहुत ज़्यादा होता है एक इसके इंटरनल कंबस्टन के कंपेयर में साइज़ के मामले में। अगर आप जैसे 1000 हॉर्स पावर का डीजल इंजन लेते हैं कि हाँ भैया ये डीजल इंजन है 1000 हॉर्स पावर हष्टपुष्ट तंदुरुस्ती से दे सकता है, मोटर उससे 30% साइज का होगा, उससे भी छोटा होगा। और अगर कोई सुपर कंडक्टर यूज इस्तेमाल करने लगा, जैसे कि मैग्लेव उबले के लिए शायद किया जाए, मतलब जब उनको व्हील का जरूरत पड़ता है इधर करने के लिए, क्या बोलते हैं शिफ्टिंग विफ्टिंग के लिए, तब वो सब मतलब इतनी सुन मोटर आपको 1000 हॉर्स पावर दे देगा। आपको समझ रही है, मोटर ऐसे ही बहुत पावरफुल होता है। अगर रेलवे में जो इंजन होते हैं उसके में चक्के में मोटर लगाया रहता है, मतलब चक्का एक्सल होता है, एक्सल के बगल में यहाँ लगा जाता है, वो 1000 हॉर्स पावर का होता है। तो समझ लीजिए इसमें बहुत कम पार्ट्स होते हैं और बहुत पावर होता है, पावर टू वेट रेशियो बम बम होता है। फिर बात करते हैं आपका आवाज़ कहाँ से आता है। ये मोटर जो है इसमें आवाज़ आएगी सिर्फ बेयरिंग से, और किसी चीज़ से आवाज़ नहीं आएगा, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं जो आवाज़ कर रहा है। वहीं अगर आप कंबस्शन इंजन की बात करें, उसमें धमाका हो रहा है और आपका आरपीएम जितना है उतनी बार धमाका पर मिनट हो रहा है, 9000 धमाका प्रति मिनट हो रहा है, जितना सिलेंडर है पर सिलेंडर में धमाका हो रहा है। तो आवाज़ के मामले में आप बोलोगे नहीं उतना आवाज़ तो नहीं करता, क्योंकि परत दर परत इंजीनियरिंग लगाई जाती है कि उसका आवाज़ ना आए, और उसके चलते वो इंजन की आधा एनर्जी तो उसी में खत्म हो जाता है साउंड में।
और वाइब्रेशंस, क्योंकि समझिए आप कोई भी मेटल लीजिए, कितना भी हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो, अगर उसको आप डेली वाइब्रेट करते रहेंगे वो टूट जाएगा। और यही होता है इंटरनल कंबशन इंजन, बहुत बहुत लंबे नहीं चलते हैं, और जो जो बहुत लंबे चलते हैं उनकी माइलेज बहुत ख़राब होती है, क्योंकि बहुत अच्छा चलाने के लिए उसको एकदम हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बना देंगे, माइलेज आएगा आपका 10 किलोमीटर प्रति लीटर किसी तरह से, और आप वही किसी गाड़ी को चाहते हैं कि 20 किलोमीटर प्रति लीटर दे, तो उसको हल्का बनाना पड़ेगा, हल्का बनाएंगे तो उसका मोटर करके स्वाह कर देगा, तो समझ लीजिए। और गर्मी जो इससे पैदा हो रहा है, मैंने बताया सिर्फ 30% आपके चक्कों पे जा रहा है, वो भी बहुत अच्छे केस में, जनरली 20% ही जा पाता है, तो बाकी क्या हो रहा है, ईंधन तो आप जला रहे हैं, आपने तेल जला दिया, उसका क्या हुआ, वो आपका गर्मी बन गया सीधा सीधा, इसीलिए रेडिएटर के ऊपर ठंडा करना पड़ता है। और इमिशंस बहुत होते हैं, मैंने बोला कि बहुत लोग इसको नहीं मानते, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं मानते, नहीं ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, लेकिन वो लोग भी बोलेंगे भैया प्रदूषण है, सल्फर आसमान में आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, लेड आसमान में आ जाएगा दिक्कत हो जाएगा, पार्टिकल इमिशंस होंगे दिक्कत हो जाएगा, वो ये सब गाड़ी अपना समझ के प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए इसको मतलब किसी भी मामले में आप नहीं कंपेयर कर सकते ये इंडक्शन मोटर से, इंडक्शन मोटर इसको धो देता है अच्छे से रिन सुप्रीम के साथ। तो अब बात करते हैं, गाड़ी एक पर्सनल का ईगो होता है, मतलब मेरा बड़ा गाड़ी है, मेरी बड़ी है, तो हम लोग ईगो से बहुत उसको अटैच रखते हैं, ये अमेरिकन कल्चर से मतलब समझिए पूरी दुनिया में है, कि गाड़ी हम लोग टूल के तौर पे नहीं देते, ये एक औजार है इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ी हमारा एक स्टेटस सिंबल होता है, तो गाड़ी चलती कैसे, ये फील कैसे होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लोग लाखों करोड़ों रुपया सुपर कार्स में लगाते हैं, गाड़ी हमारा ईगो है, मतलब जैसे बहुत लोगों को 10 लाख की गाड़ी से काम आराम से आंख मूंद करके हो जाता, लेकिन लेंगे 22 लाख का गाड़ी, तो वैसे ही समझिए। तो गाड़ी का फील जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, अंदर से भी, चलाने में भी, और बाहर से भी, क्योंकि ये हमारा ईगो का एक पार्ट है। तो स्टार्टिंग के इलेक्ट्रिक कार का यही सबसे बड़ा कमी था, वो सब जगह पैसा बचा डालते थे, क्योंकि उस टाइम स्टार्टिंग में बैटरी बहुत महंगा था, तो कोई खरीदा ही नहीं, और यही बात टेस्ला को पता था, कि टेस्ला ने इसीलिए मतलब रेवोल्यूशन जो स्टार्ट किया, ऐसी नहीं थी कि बहुत कंपनी नहीं बनाती थी, लेकिन सब एकदम कंजर्वेटिव बनाते थे, टेस्ला एकदम उल्टा बनाया, एकदम सुपर कार बनाया, तब जाके लोग उसको थोड़ा सीरियसली लेने लगे। तो अब यहाँ पे बात करते हैं ड्राइव, आपको चलाने में कैसा लगेगा, यहीं पे इलेक्ट्रिक कार पेट्रोल गाड़ी की धो धो के मारता है, धो धो के रिन सुप्रीम से मार देता है, कि ड्राइव के मामले में कंपेयर नहीं किया जा सकता, बहुत ज़्यादा होता है। और इसके स्पीड जो है, जो मतलब लोगों को चाहिए ना, मेरे को स्पीड चाहिए, मेरे को 0 to 60 mph यानी लगभग 100 km/s बहुत फास्ट चाहिए, भले कभी नहीं चलाएंगे, लेकिन उन लोगों को चाहिए कि हम एक्सीलेटर दबाएं, मेरा गाड़ी एकदम राजधानी एक्सप्रेस बन जाए। इलेक्ट्रिक मोटर बोलता है भाई हम तो कर देंगे, तुम्हारा गाड़ी का ट्रांसमिशन उड़ जाएगा, तुम्हारा चक्का उड़ जाएगा। आपको एग्जाम्पल मैं नीचे दे देता हूँ एक वीडियो का, आप देखिए कि गाड़ी चल रही लगभग 50-60 km/h पे से ऊपर चल रही है, उसके बाद बंदे ने एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी की व्हील्स जो है स्पिल ये होने लगी, स्पिन आउट होने लगी, इतना ज़्यादा टॉर्क दे सकता है। इलेक्ट्रिक मोटर के साथ सबसे बड़ा लिमिटेशन होता है कि आप उतना टॉर्क को इस्तेमाल कहाँ कीजिएगा, क्योंकि मतलब चक्के का समझिए, आपका चक्का वीक लिंक बन जाता है, कि चक्का ही उतना ग्रिप जमीन पर नहीं डाल पा रहा है। तो समझिए हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त, अगर आपको पावर चाहिए इलेक्ट्रिक मोटर लाइक मेरे, इसको परेशान मत करो, तुम लोग बच्चे हो, मतलब आपको बता रहे ना ये ट्रेन खींचता है तो बहुत पावर होता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझिए, जैसे कि हर लोग धीरे धीरे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी जो है उसमें जो उसमें ये फ्लूइड कपलर वाला टॉर्क कन्वर्टर लगाता है, वो इंजन का आरपीएम जो है कम रहने के बावजूद भी टॉर्क बढ़ा देता है और आपकी गाड़ी रेंग पाती है। तो भले गाड़ी रेंगाना क्यों चाहते हैं, आपने कभी ट्रैफिक देखा है, इसीलिए अमेरिका में लगभग 80-90% गाड़ी कब की ऑटोमेटिक हो गई, अब तो मतलब लिटरली एक दो मॉडल आते हैं गाड़ी के जिसमें मैनुअल ट्रांसमिशन है, लोग हाथ खड़ा कर दिए, क्योंकि हाँ खाली रोड है तो आप वो मैनुअल में भर जाएगा, लेकिन रियल लाइफ में के साथ क्या होगा, पी 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 कर रहे हैं, तो वहां पे आपको गाड़ी रेंगना है। कोई भी गाड़ी रेंग नहीं पाती बिना मतलब एक्स्ट्रा फजीयत के, जैसे अगर आप नॉर्मल वाले में करेंगे वो भी रेंग नहीं पाएंगे फर्स्ट गियर में, क्योंकि आरपीएम ज्यादा होना चाहिए, अगर आरपीएम कम है तो स्टॉल करके बंद हो जाएगा, टॉर्क कम होता है कम आरपीएम पे, तो एक जनरली 3000 आरपीएम चाहिए होता है कि एक स्टेबल आरपीएम ये मतलब स्टेबल टॉर्क आउटपुट रहे, तो जनरली उसके लिए बहुत लो गियर रेशियो लाना पड़ेगा, और उस पर भी आपकी गाड़ी भागने लगी है तो लोग देखिए क्लच ब्रेक क्लच ब्रेक क्लच ब्रेक, तो क्लच प्लेट्स वहां हो जाता है। इलेक्ट्रिक गाड़ी कोई टेंशन नहीं, मतलब आपका आरपीएम 2 RPM भी होना ये आराम से संभाल लेगा, इसलिए ब्रो टेंशन नहीं लेने का हम संभाल लेंगे, आप पहाड़ पे चढ़ाना है इसलिए ब्रो टेंशन नहीं लेने का हम संभाल लेंगे, उसका आरपीएम और टॉर्क एकदम अलग तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि आप पहाड़ पे चढ़ा रहे हो आपको आरपीएम नहीं चाहिए आपको टॉर्क चाहिए, आप अलग से कर सकते हो, भैया टॉर्क बढ़ा दो आरपीएम कम कर दो, कोई टेंशन नहीं है। आपको उल्टा हो गया कि मतलब एकदम ढलान पे है और राजधानी एक्सप्रेस आपको बनाना है, ठीक है टॉर्क में एनर्जी मत वेस्ट करो आरपीएम बढ़ा दो, ऐसा कैसे हो जाता है, टॉर्क कंट्रोल करने के लिए आप वोल्टेज कंट्रोल करते हो, मतलब एकदम इतना सिंपल नहीं है लेकिन आप समझ लीजिए कि टॉर्क कंट्रोल आपको मोटर में मिलता है, एकदम सिंप्लीफाई कर दें तो इंडक्शन मोटर का वोल्टेज बढ़ते जाएगा टॉर्क बढ़ते जाएगा।
और अगर आप आरपीएम कंट्रोल करना चाहते हैं कि कितनी स्पीड से वो रोटेट हो रहा है, तो उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी से कंट्रोल करते हैं, जो आप लोग सुनते हो ना वीएफडी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो अगर 60 हर्ट्ज है तो मान लीजिए उसका आरपीएम होगा 1800, 60 हर्ट्ज से आपने घटा दिया 30 कर दिया, आरपीएम भी आधा हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग दो अलग अलग चीज़ कंट्रोल कर पाते हैं। और ये वोल्टेज वाला बात पे उतना ध्यान नहीं, क्योंकि जनरली कोई उस तरह का फॉलो नहीं करता, मतलब अलग एल्गोरिथम होता है। लेकिन आप समझिए, दो अलग अलग चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब दो वाल्व मिलता है। पेट्रोल इंजन में कुछ नहीं होता, पेट्रोल इंजन सिर्फ एक होता है, मतलब आरपीएम बढ़ाओ, आरपीएम बढ़ाओ, क्योंकि उसका वो पीक रेंज, इसलिए आप देखते होंगे पीक टॉर्क हमेशा, पीक टॉर्क आपको हमेशा एक आरपीएम पे बताया जाता है। ऐसा नहीं बोलता कि गाड़ी इंजन का इतना टॉर्क है, बोलेगा इंजन का पीक टॉर्क 5000 आरपीएम पे, वो 5000 पे वो पीक टॉर्क दे रहा है, उससे ज़्यादा आप आरपीएम बढ़ा देंगे टॉर्क घट जाएगा। यहाँ पे वैसा कोई समस्या नहीं, आप आराम से टॉर्क को अलग से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए चलाने के मामले में रोड में जहाँ कचाक कच ट्रैफिक है, इलेक्ट्रिक कार आराम से चलेगा। और इसीलिए आपको अगर बैंगलोर में है तो महिंद्रा में खूब सारा E20 दिखने लगेगा। तो क्या ये मार्केट में आएगा, मतलब क्या ये, मतलब क्योंकि सुन तो आप लोग काफ़ी साल से रहे होंगे, तो क्या ये एक्चुअली आएगा, ये चेंज जो हम लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल इंजन को हम लोग रिटायर कर देंगे, जवाब है ये धीमे धीमे होता है। इतनी बड़ी चेंज आप समझिए, पेट्रोल गाड़ी या पेट्रोल कंपनी सब जो आप देख रहे हो ये 100 साल से चलते आ रहे हैं, एक दो दिन में नहीं। और इलेक्ट्रिक गाड़ी में बहुत सारा चीज़ अभी मतलब सीखना है, मतलब अभी हर चीज़ में समझिए सीख ली है, बहुत सारा चीज़ उसका क्लियर हो गया, लेकिन एक चीज़ लटका हुआ है, सप्लाई चेन नहीं है, चार्जिंग सुपर चार्जिंग स्टेशन नहीं है, मतलब बहुत सारा परत इंजीनियरिंग लगा, मैकेनिज्म लगा, तब जाके पेट्रोल कार वहां पहुंची जहां पे आज है। वैसे ही इलेक्ट्रिक कार को भी टाइम लगेगा। तो ये एक्सपेक्ट करना कि अरे आज इलेक्ट्रिक कार बनाए कल एकदम मार्केट में छा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। परत दर परत कोई भी गाड़ी कंपनी को ले लीजिए, जैसे महिंद्रा ले लीजिए, उसको भी कई साल लगा बनाने में, गाड़ी का एक अपना इकोसिस्टम, सुजुकी को लीजिए, उसको भी कई साल लगता है। तो इलेक्ट्रिक कार में ये एक्सपेक्ट करना कि आज आए और एकदम कल हो जाएगा, वैसा नहीं होगा, वो बेवकूफ लोग सोचते हैं। टाइम लगता है, दशकों लगते हैं, जैसे किसी चीज़ को आने में बहुत टाइम लगेगा तो उसको ले जाने में भी बहुत टाइम लगता है। तो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, लेकिन आप समझिए कि आप लोगों से बहुत लोग देख चुके होंगे कि इलेक्ट्रिक गाड़ी अब इस्तेमाल हो रहा है, जैसे ये इलेक्ट्रिक रिक्शा जो है मेरे होम टाउन में अब लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये ऑटो से ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये शांत है, ट्रैफिक में जब चलाना रहता है तो यही आसान रहता है, आराम से टॉर्क दे देता है। ये थोड़ा धीमा है, मतलब क्योंकि लेड एसिड बैटरी इस्तेमाल करते हैं, इसी में लिथियम वाला जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो लोग को थोड़ा स्पीड ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन ट्रैफिक में वो करना क्या है, भगाना तो है नहीं, तो आराम से लोग हुड़ कर जाते शांति करते, और पेट्रोल का दाम बढ़े जा रहा है, ऑटो वाले की प्रॉफिट घटे जा रही है, ये जो का क्यों बैठा हुआ है। तो ये तो आपको कई सारे जगह भारत में आपको देखने को लग जाएगा कि अरे ये गाड़ी धीरे धीरे छाने लगी है, ऑटो धीरे धीरे हटने लगेगा, मतलब तुरंत नहीं होगा, तुरंत मत समझिए कि मैं आज बोल रहा हूँ कल आपको नहीं दिखेगा, 2020 में नहीं दिखेगा, 2025 तक में पहले नंबर घटना स्टार्ट होंगे, ये और बिकेगा, थोड़ा और नंबर घटेंगे, ये थोड़ा और बिकेगा, देखते देखते आपको फिर यही दिखने लगा शहर में। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिकल स्कूटी, आप लोग में से कई लोग शायद चला ही चुके होंगे, कई लोगों के पास आया होगा, मतलब इसका एक रिसर्जेंस हो रहा है, क्योंकि बीच में स्टार्टिंग में बहुत पहले आ गया था ये, लेकिन उस टाइम लेड एसिड बैटरी थी, तो बैटरी बहुत लंबा नहीं चलता था, बाकी सब चीज़ चलता था, बैटरी बहुत लंबा नहीं चलता था, तो इसीलिए मतलब ये टिका नहीं होता। लेकिन लेड लिथियम आयन के साथ जो आ रहे हैं, जैसे कि अभी बजाज चेतक को वापस ला रहा है इलेक्ट्रिक करके, लाख रुपये का लगभग लगेगा, तो वही समझिए कि गाड़ी वापस आ रही है। तो छोटे लेवल पर आपको चेंज दिख रहा होगा, मतलब अगर आप घर से बाहर निकलिए आपको दिखेगा कि चेंज होने लगा है। फिर बड़े बड़े कंट्री की बात करते हैं, जैसे चाइना है, चाइना जैसे मतलब इंडिया को समझिए, जब दिल्ली में बैंड बज गई थी प्रदूषण के चलते, तो उन्होंने बोला था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सीधे सीधे सीएनजी कर दो, वैसे ही चाइना ने एक डिक्री कई साल पहले डाला था कि सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक में करो, स्टेप बाय स्टेप, मतलब उनका टारगेट था कि ये शहर में करो, ये जब हो जाए तब दूसरे से, मतलब ऐसा नहीं पूरे देश में करो, ये शहर करो, सीखो क्या अच्छा हुआ क्या गलत हुआ, क्या ठीक करना है, दूसरे शहर में करो। तो अभी आपको जैसे उनके सबसे बड़े बड़े शहर है सिंकेंशन जैसे करके जगह, सिंकेंशन नाम अजीब है थोड़ा, मैं ठीक से नहीं बता पा रहा हूँ, मैंने नीचे लिंक दे दिया है, वहाँ की सारी 18,000 टैक्सी जो है सिटी रजिस्टर्ड वो सारी इलेक्ट्रिक है, जो बसेस हैं वो इलेक्ट्रिक है, और ये 2016 में ये लोग कर चुके हैं, 2016-17 मैंने बोला शहर बाय शहर ये आगे जाते जा रहे हैं, तो ये कर चुके हैं, मतलब अब इलेक्ट्रिक गाड़ी आ ही जाएगा, टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे ये लोग कर रहे हैं तो इससे फ़ायदा क्या होगा। पहले टैक्सी में एक फ़ायदा होता है कि सबको पता होता है टैक्सी कितनी चलती है, मतलब अगर आप टैक्सी में आपका ऑडोमीटर है यानी कितना किलोमीटर है, आपको आराम से पता चल जाएगा भैया ये शहर छोटा है, रोग आ के भी लोग 100 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलते, तो आप बैटरी बैंक उतनी बढ़ा लेंगे, आप 300 किलोमीटर वाला बैटरी बैंक नहीं लगा लेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बैटरी आपका इफिशियंसी घटा देता है, आप बैटरी हल्का से हल्का रखना चाहते हैं, तो लोग बोले 100 का मतलब 100 का रेंज 150 वाला लोग, और इसी के साथ कस्टम बिल्ड कराया जाएगा
जाएगा, फिर उसके साथ सुपर चार्जर, स्पीड चार्जर, मान लीजिए कुछ हो गया कि एयरपोर्ट से भी ज़्यादा आगे जाना पड़ गया किसी कारण से, कि बहुत लंबा दूरी आपका तय करना है, तब वहाँ पर आप स्पीड चार्जर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जनरली आप रात को ही चार्ज करना चाहेंगे। तो ये सब सीखने के लिए टैक्सी से बढ़िया और कुछ नहीं है। और टैक्सी से दूसरा भी होता है कि लोग चूँकि उसमें जाने लगते हैं, यूज़ करने लगते हैं, तो लोग का वो जो डर है कि इलेक्ट्रिक, डर मतलब एक तो समझिए इलेक्ट्रिक को मजाक समझते हैं, वो खत्म हो जाता है कि अरे हम तो इलेक्ट्रिक देखते आ रहे हैं। तो समझिए चेंज होना स्टार्ट हो गया, लोग आगे बढ़ रहे हैं, कुछ साल में हम लोग को मिल जाएगा। मतलब मेरा टारगेट है कि 2040 तक में आपको इंडिया में दिखने लगेगा इलेक्ट्रिक गाड़ी नॉर्मली, क्योंकि अभी अगर आप जैसे मुझे बैंगलोर का एक्सपीरियंस, तो मैं वही बता पा रहा हूँ, तो बैंगलोर में आपको महिंद्रा E2 देखने लगेगा। तो लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, लोगों का पहले एक्सपीरियंस यार बहुत महंगा गाड़ी है, फिर दूसरा एक्सपीरियंस ये रहा कि यार बहुत आवाज़ करती है, मेरा दिमाग कन्फ्यूज हो गया भाई आवाज़ क्यों कर रही है। तो बाद में ये पता चला कि वो इतनी शांत है, क्योंकि आवाज़ करने वाला कुछ है नहीं उसमें पार्ट, इतना शांत है कि आपका कान ओवर सेंसिटिव हो जाता है। आप एक्सपेक्ट करते हो गाड़ी के अंदर बैठ के कि आपको 40 से 50 डेसिबल का आवाज़ आएगा ही, अब ये गाड़ी बैठ रहे हो ये 30 डेसिबल पर रख रही है, तो आपको रोड का एक एक आवाज़ आने लगता है क्योंकि आपका कान सेंसिटिविटी बढ़ा दे रहा है। तो लोग को बहुत परेशानी होगी, महिंद्रा बोला कि मतलब और साउंड डैम्पिंग करना पड़ रहा है उसको, सिर्फ इस बात के लिए कि लोगों को महसूस होने लगता है गाड़ी कुछ ज़्यादा शांत है, मतलब सेंसिटिविटी बढ़ जाता है तो रोड का आने लगता है, दूसरे गाड़ी का इंजन नॉइज़ आपको अंदर आने लगेगा। तो है ऐसे ऐसे शिकायत हुए, लेकिन सब लोग को यही हुआ कि भाई ट्रैफिक में चलाना है ना, रेंगना ही है 90% आपको, सिर्फ रेंगना है गाड़ी को डर, और हर कोई टॉर्क कन्वर्टर वाली गाड़ी नहीं खरीद सकता, वो बहुत महंगा आता है। और CVT जो आपका स्कूटी को बचा लिया, वो भी गाड़ी के लिए उतना सूटेबल नहीं है, उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। तो घुमा फिरा के यही आता है कि लो स्पीड पे हर पेट्रोल गाड़ी की बैंड बच जाती है, और इसीलिए या तो आपका क्लच जाएगा या तो आपका BP जाएगा, जनरली लोग BP को ले जाना पसंद करते हैं। तो इसलिए समझ जो लोग चला रहे हैं आराम से कि भाई आराम से रेंगना है इलेक्ट्रिक गाड़ी संभाल लेता है, चाहान पे चलाना है इलेक्ट्रिक गाड़ी संभाल लेता है, रफ्तार ले जाना है तो अभी लिमिट किया गया है, जनरली आपको जो सस्ते में मिलेगा वो जनरली 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक लिमिट किया जाता है, ताकि वो बनाया गया है शहर में चलाने के लिए, और आप कौन सा शहर में रह रहे हो जहाँ पे आपको 80 किलोमीटर का जगह मिल जा रहा है भगाने के लिए। और पिकअप बहुत तेज होता है, ये सबका बहुत ज़्यादा तेज होता है, मतलब इस सॉफ्टवेयर में डाला जाता है कि भैया ट्विक स्लो करो इसको, नहीं तो क्योंकि अगर आप कस के एक्सीलेटर दबा दिए और इन्वर्टर अपना फुल पावर पे आ गया, मोटर बोलेगा ठीक है तुमको उड़ना है ना उड़ो, चक्का या तो स्लिप आउट कर जाएगा, बर्नआउट हो जाएगा, या तो आप राजधानी एक्सप्रेस से किसी से ठोंक दीजिएगा। तो समझिए टाइम लगेगा, महिंद्रा आ गया है, कई सारी और टाटा का भी अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी आने लगा है, सुजुकी जिस दिन उतारेगा उस दिन थोड़ा सा और बड़ा झटका लगेगा, लेकिन समझिए टाइम लगेगा। ये सब ऐसा मत समझिए कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 2030 में एकदम हो जाएगा, 2040 में आपको दिखना चाहिएगा, बेस्ट केस सिनेरियो आप कहिए, क्योंकि तेल का दाम तो बढ़ते रहेगा, तेल का दाम जैसे जैसे बढ़ते जाएगा उतना ही स्पीड से लोग इलेक्ट्रिक में घुसते जाएंगे, क्योंकि महिंद्रा वाला जितना उन्होंने खरीदा है भले गाड़ी महंगी थी, कुछ साल के अंदर ही उनका रिकवरी, कुछ साल भी क्या मतलब 2 साल के अंदर, अरे तेल का दाम तो मेरा इतना बच गया, प्लस रिपेयर के मामले में गाड़ी में कुछ खास है ही नहीं बिगड़ने वाला, अब बैटरी बैंक भी इनको 10 साल में या 5 साल में जो कुछ है किलोमीटर दिया गया कि उनको कंपनी खुद बदल देगी, स्टार्टर वालों के लिए ऐसा किया जा रहा है। समझ लीजिए चेंज हो जाएगा, टाइम लगेगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आओ, अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाइए, उससे मुझे पता चले वो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखिए, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ, आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो, आपने मेरा ये वीडियो देखा है जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।